सुनिए सुनिए, हम क्यों नहीं चाहते इस बहस को, जरा ये तो बताइए ना, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? 1962 में युद्ध हो रहा था, हम देश देश क्या नाम युद्ध हार रहा था उस वक्त, रोज रोज लगातार 8-8 घंटे जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट पूरा संसद को ब्रीफ करती थी, बहस करती थी और सारी बातें करती थी। सच बात यह है कि बहस क्यों नहीं होनी चाहिए, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है। और आप जैसा सुधी पत्रकार ऐसा पूछ रहा है, ये तो पत्रकार तो स्थायी विपक्ष होता है, मुझे तो आप पर इस वक्त नहीं, 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 एक सेकंड। अब देखिए, नहीं क्योंकि आपने मेरी समझ या मेरे सवाल पर सवाल उठा दिया, मेरे सवाल को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए मैं बता दूं। अच्छा सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि संजू वर्मा जो कह रही है या जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से ये मेरा सवाल मत मानिए, मेरा सवाल अभी आएगा आगे, ये तो मैंने अभी सरकार का सवाल आपकी तरफ फेंका है कि आप ये बहस क्यों मांग रहे हैं आप, जबकि वो नेशनल सिक्योरिटी का अहम मसला है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, बाहर सिक्योरिटी का मसला है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज, एक चीज और मान लीजिए कि एनएसए का भी मामला है। अगर एनएसए के मामले में आप मुझे ये बताइए कि 1980 से लेकर के सन 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कितनी बार, इस नियम को माना, जरा बताएं, और हमने कब कब इनको जवाब नहीं दिया। समझ लीजिए, भारत की सिक्योरिटी में विपक्ष सरकार का एक अहम हिस्सा है, सरकार के साथ है, चाहे विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो। अब यहां पर अगर आप बहस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब इन्होंने एक चैलेंज दिया, संजू जी ने, बड़ी विद्वान प्रवक्ता है, कहते हैं कि इन्होंने कहा 1 इंच भी जमीन हो, भाई अगर 1 इंच भी जमीन नहीं हो, क्या नाम वो उनके इनलीगल ऑक्यूपेशन में होती तो 16-16 बार की मीटिंग, फ्लैग मीटिंग किस चीज की हो रही है गलवान में, कोई बताएगा हमें? हमें कोई बताएगा कि अरुणाचल प्रदेश में खुद भारतीय सेना कह रही है, भारत की सरकार कह रही है कि साहब दो गांव उन लोगों ने बसा लिए हैं? कोई बताएगा हमें कि डोकलाम में हमने पहले समझौता किया, दोनों सैन्य बल पीछे हटे, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे वैचारिक रूप से मतभेद में है, लेकिन डोकलाम में जिस तरीके का उन लोगों ने कितने गांव बसाए और कितने मिलिट्री बसा ली है हमारे चिकन नेक के 5 किलोमीटर में, कोई बताएगा हमें? हम इन सब चीजों पे खुले मन से चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी सिक्योरिटी वाली बात थोड़ी पूछना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार जागे, हम चाहते हैं कि सरकार, जिस दिन से आप गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उस दिन के बाद उस हत्यारे राष्ट्रपति से हाथ ना मिलाएं, बात ना करें, ऐप बदलने की बात कर रहा है और आप ऐप बदलने की बात कर रहे हैं, आप ऐप बैन कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? सच बात यह है मानक भाई कि आज सरकार डरी हुई है, कायर है सरकार, बात नहीं करना चाहती। हम तो चाहते हैं कि सरकार के साथ हम खड़े होकर के कहें कि भारत की सेना, भारत का शौर्य और भारत की वीरता असंदिग्ध है, हम बीजिंग तक घुस के मारेंगे उनको। लेकिन सरकार तो बोले, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार हाथ मिलाती है, सरकार झूला झूलती है, सरकार चाय पिलाती है, सरकार व्यापार करती है, सरकार उनको वर्ड नगर में संजय पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुरेंद्र, एक सवाल ये कहती है कि साहब आप तो हमारे माय बाप हो। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल, अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती सुरेंद्र राजपूत, और इस तरह की झड़प हुई होती और हमारे जवानों ने उनको पीट कर भगा दिया होता, तब आप क्या करते? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो घुसपैठ हुई है तो आपकी सरकार क्या करती है? अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या करना चाहिए? सरकार से डिमांड कर रहे हैं, मैं आपसे यही डिमांड आपकी भी होगी, हर्षवर्धन त्रिपाठी की भी होगी और सारे विपक्षी दलों की होगी और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी होगी। हम ये डिमांड करते हैं कि गलवान सहित चीन पर एक समग्र चर्चा हो, जिस भूमि को उन लोगों ने इनलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है सरकार बताए उसको कैसे खाली कराएगी, सरकार जो एक संसद में पारित किया हुआ है कि साहब इनसे व्यापार को हम रोक करेंगे, क्यों नहीं रोक रही है, हम सरकार से पूछेंगे। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं चर्चा के अलावा व्यापार बंद कर दिया जाए? ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, देखिए ना, रुकिए एक सेकंड, देखिए अब क्योंकि मैंने आपसे सवाल ये किया था अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या करते, आपने कहा चर्चा के अलावा व्यापार बंद, ये आपकी डिमांड है ना, चीन से व्यापार बंद कर दिया जाए, यही कह रहे हैं ना आप? हमें अपनी पूरी टेरिटरी वापस चाहिए, हमें 38,000 किलोमीटर जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में इनलीगल ऑक्यूपाई हुई थी वो भी वापस चाहिए। कैसे चाहिए ये तो बताइए, कैसे
टेरिटरी जो है ये भी वापस, मतलब बीजिंग में घुस के मारे जैसे आप अभी कह रहे थे। क्यों नहीं मारेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार होती तो बीजिंग में घुस के मारती सुरेंद्र राजपूत। सुन लीजिए सर, ऑपरेशन फाल्कन हुआ था, आपको याद होगा, ऑपरेशन फाल्कन के बाद राजीव गांधी ने ऑपरेशन फाल्कन कराया था और उस ऑपरेशन फाल्कन के बाद ही चाइना मजबूर हुआ था अरुणाचल प्रदेश को पूरा राज्य का दर्जा देने के लिए, यह भी आपको याद रखना चाहिए। नाथुला की जंग हुई। संजू वर्मा जवाब दीजिए, एक संसद में बहस